और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए हमारा खास बुलेटिन। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके साथ ही सभी पार्टियों के प्रत्याशी और समर्थकों का डोर टू डोर अभियान शुरू हो जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दल अपना पूरा दमखम दिखाने में जुटे हैं। बीजेपी के स्टार कैंपेनर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हरियाणा में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं राहुल गांधी भी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। बरेली में मंगलवार को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके से बड़ा हादसा हो गया। धमाके में आसपास के 8 मकान ढह गए, जबकि इसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। धमाके में घायल 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में रहने वाले रहमान शाह अपने घर में अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चला रहा था। बुधवार शाम पटाखा बनाते समय घर में तेज धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। धमाका इतना तेज था कि रहमान के घर के समेत आसपास के 8 मकान जमींदोज हो गए। धमाके की तेज आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। लापता 2 बच्चों की मलबे में तलाश की जा रही है। इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है, जिसके बाद एक इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया है, जबकि 2 दारोगा समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले दिल्ली की शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। बुधवार रात मूर्ति को ईदगाह लाया गया। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति के साथ उनके सेनापतियों की मूर्ति भी लगाई जानी है, लिहाजा ईंट के 3 बेस तैयार किए गए हैं। बीच के सबसे बड़े बेस पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जबकि उनके अगल बगल में छोटे बेस पर उनके सेनापतियों की मूर्ति लगाई जाएगी। अभी मूर्तियों को पुलिस की सुरक्षा में रखा गया है। लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाए जाने के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर अदालत ने मंगलवार को कहा कि रानी लक्ष्मीबाई को धार्मिक हस्ती नहीं है। अदालत नहीं चाहती कि ये मुद्दा अनावश्यक रूप से विवाद का विषय बने। कोर्ट ने सुनवाई को 4 अक्टूबर तक के लिए टालते हुए शाही ईदगाह प्रबंधन समिति को बातचीत से विवाद सुलझाने को कहा है। पंजाब में किसान एक बार फिर आज रेलवे ट्रैक पर धरना देने जा रहे हैं। पंजाब के कई जिलों में किसान रेलवे ट्रैक पर धरना देंगे और ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित करेंगे। भारतीय किसान यूनियन एकता के किसान आगू पलविंदर सिंह महल ने बताया कि किसानों की तरफ से 2 घंटे के लिए ट्रेनों को रोका जाएगा। किसान नेता ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना पर अभी तक किसानों को इंसाफ नहीं मिला है। वहीं इसके अलावा MSP समेत बाकी 12 मांगों को लेकर भी उनका ये धरना पंजाब के 18 जिलों में लगभग 30 स्थानों पर दोपहर 12:30 से दोपहर 2:30 बजे तक चलेगा। भारी बारिश और बाढ़ से बिहार के नदी नाले उफान पर हैं। कोसी, गंडक और गंगा नदी में बाढ़ के चलते शहर, कस्बे, गांव हर जगह तबाही देखने को मिल रही है। दरभंगा से लेकर सहरसा जैसे इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। बिहार के 19 जिलों में से 12 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। वहीं बाढ़ की मार झेल रहे बिहार को अभी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि नेपाल ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नेपाल के इस अलर्ट के बाद बिहार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बिहार सरकार का कहना है कि नेपाल में 70 घंटे की बारिश के बाद कोसी गंडक में इतना पानी छोड़ दिया गया कि तबाही मच गई। वहीं अब अगर और पानी आया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे।